हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो मौका आपको मिला है, जो किस्मत ने साथ आपका दिया है, उस मौके पे चौका कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो चौका लगाने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सभी सीईटी क्वालिफाइड, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, या फिर देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो काफ़ी हाई गई है, काफ़ी सारी कैटेगरीज पे इसका फर्क पड़ा है, लेकिन जिनको भी यहाँ पर मौका मिल गया है फिजिकल पीएमटी में जाने का, तो देखिए आगे अब सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं कि वर्दी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मधुबन जाने का सपना साकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस बार आप ग्राम सचिव पटवारी बन पाएंगे या फिर सपना ही रह जाएगा। तो अगर एक बार आपका लिस्ट में नाम आ जाता है 4 गुना में 8 गुना में, तो उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है कि अब आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही निर्णय लेना है कि सोच सोच के समय बिता दोगे बहाने निकाल निकाल के। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक वजह ही काफ़ी है, और जिसको पढ़ाई नहीं करनी उसके लिए हजारों बहाने हैं कि अभी तो नहीं पढ़ूंगा, अभी तो मेरा पीएमटी भी नहीं हुआ, मेरा पीएसटी हो जाने दो, मेरा रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड आने दो। ठीक है, अभी तो पेपर में 10 दिन है, मैं क्या करूंगा, पता नहीं 4 गुना मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, और 4 गुना में होने के बाद पता नहीं मेरा लिस्ट में फाइनल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तमाम ये सारे के सारे बहाने आपके लिए हो सकते हैं पढ़ाई ना करने के, लेकिन पढ़ाई करने के लिए एक वजह ही काफ़ी है कि कम से कम एक मौका आपको मिल सकता है, वो उम्मीद आपको मिली है, तो उस उम्मीद को कामयाबी में बदलने के लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी। सच्ची बता रही हूँ, दिन रात एक करके मेहनत आपको करनी होगी। जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए, जैसे आपकी सहूलियत है। आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, आपको खुद से पढ़ना है, किसी और से पढ़ना है, एप्लीकेशन से पढ़ना है, जो भी आपकी इच्छा है, पुराना बैच है उसी से पढ़ना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तैयारी ऐसी कीजिए कि इस बार एक बार अगर लिस्ट में नाम आ गया तो फिर वो फाइनल लिस्ट में भी नाम आपका होना ही चाहिए। इस बार आपका जो मैसेज आए वो ये ना आए कि मैम ये क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन देखिए अभी 4 गुना की वजह से ये हो गया, मैम फलाना केस हो गया। इस बार मैसेज मुझे ये चाहिए कि मैम मधुबन जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले मैसेज मुझे चाहिए कि मैम मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, मेरे ही गाँव में ग्राम सचिव बनूंगा। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या हो सकती है आपके लिए और हमारे लिए? कुछ नहीं हो सकती। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, खुशी हमें होगी, क्योंकि ये जो लगातार वर्षों का संघर्ष है हरियाणा में, तो मैं ये कहूँगी लगातार पिछले 4 से 5 सालों से जो आप बैठ के बाट देख रहे थे कि एक ना एक दिन आएगा, ठीक है, जब मौका मिलेगा, तो मौका मिला है तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए हरियाणा एसएससी की अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना भाई। हरियाणा एसएससी चाहे आपका नया, आपका जो है फिलहाल बोर्ड है, आपका नया बोर्ड इन द सेंस कि नए लोग हैं, नए चेयरमैन साहब, नए सदस्य हैं, या फिर हम पुरानों की बात करें, हरियाणा एसएससी में प्रीवियस ईयर की विशेष भूमिका रहती है। तो इस बार मैंने क्या किया है कि क्यों ना हरियाणा जीके के अलावा बाकी के जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैथ आपका, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके, सभी के पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर आपको कराए जाएं। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसी के लिए मैंने ये एक सीरीज आपके लिए शुरू की है, जो कि 7 दिन की सीरीज होगी। ये 7 दिन तो मेरे लिए हैं, अगले 7 दिन बाकी सब्जेक्ट के आपके होंगे, यानी कि अगले जो 7 दिन होंगे वो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है भाई, इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये 7 दिन 7 रामबाण क्लासेस आपके लिए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपने सोल्व कर लिए तो उससे बड़ा रामबाण आपके लिए इतने कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं 7 दिन 7 रामबाण सीरीज। इस सीरीज में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रीवियस ईयर आपको कराए जाएंगे। तो ये आपका, इससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। साथ में इससे क्या होगा कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने पहले पूछे हैं
उन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आपके नए बन सकते हैं और पिछले 10 वर्षों के एक साथ आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा अच्छी चीज आपको क्या चाहिए। तो ये ताबड़तोड़ रिवीजन वाले क्लास आपकी होगी। ये कब कब क्लासेज आने वाली है ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये क्लास री एग्जाम के लिए एज वेल एज हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए एज वेल एज हरियाणा SI की वैकेंसी अगर आई, साथ में अगर आपका दोबारा से CET होता है जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए आज पेपर हो हरियाणा में, 6 महीने बाद पेपर हो या फिर कभी भी पेपर हो, ये जो क्लासें होंगी चाहे मैं रहूँ ना रहूँ धरती पे, लेकिन क्लासें यूट्यूब पर हमेशा रहेंगी और हमेशा हर एक बच्चा इन क्लासेस को यूज़ कर पाएगा, क्योंकि इनमें जो कंटेंट होगा सारा प्रीवियस ईयर होगा, जो आप जगह जगह ढूंढते हो। मिक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें हिस्ट्री के, मान लो किसी पेपर में 4 ही क्वेश्चन आए, किसी में हिस्ट्री के मान लो 10 क्वेश्चन आए हों, तो सारे क्वेश्चन में छाट छाट के टाइप करवा के फिर आपको कराने वाली हूँ। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत लगेगी बैकेंड में। तो आप सभी से मुझे ये एक आपसे वादा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि हाँ मैम हम रामबाण क्लासेस में जरूर आएंगे और ये दिखा देंगे कि हरियाणा में रामबाण से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा इस बार। तो मैंने सारे के सारे जो तैयारी है वो कर ली है, कब से आपकी क्लासेस शुरू हैं ये YouTube पर रहेंगी। जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी मेरा ये संदेश है, हालांकि हम ऐप पे आज बात करने वाले इस बारे में, कि देखिए आप एप्लीकेशन पे बराबर क्लास आपकी चलेंगी तो एप्लीकेशन पे हम सब्जेक्ट स्पेशल वाली क्लासेस फिलहाल चला रहे हैं, ठीक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, आपका हरियाणा इकोनॉमी, EVS है आपका, हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस हैं, वो आपको फिलहाल एप्लीकेशन पे भरपूर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन पे मेरी मैराथन क्लासेस भी आएंगी, लेकिन ये वाली जो मैराथन क्लास है यूट्यूब पर है ये भी आपको देखनी है। देखिए आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, आप 14 घंटे पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। अभी ये जो आपके पास 15-20 दिन का समय बचा हुआ है, इस समय में कोई वो मत करिए, कंजूसी मत बरतिए कि नहीं पढ़ूंगा, अरे यार कल कर लूंगा, आज नहीं रिकॉर्डेड देख लूंगा। आप चाहे रिकॉर्डेड देखिए फुल डबल स्पीड में, आप PDF से रिविजन कीजिएगा, हालांकि मेरी रिक्वेस्ट होगी जो बच्चे हैं वो लाइव आके पढ़िए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तुम्हें देख के मुझे एनर्जी मिलती है। तो पहली क्लास आने वाली 17 जुलाई को, यानी कि परसों आपका पहला हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पिछले 10 साल के पेपर का निचोड़ आपको मिलेगा। क्या मैडम आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल मैडम पढ़ा सकते, क्यों नहीं पढ़ा सकती। तो आप सभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये जो पहली रामबाण क्लास है इसमें जरूर आएंगे, बहुत ही अच्छी क्लास होगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके बाद में आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है हरियाणा SSC ने जो पूछे हुए हैं अभी तक, वो सारे प्रश्न आपको 18 जुलाई को कराए जाएंगे। 19 जुलाई को हम पूरी बायोलॉजी करेंगे, पूरा का पूरा बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है आपका हरियाणा SSC ने पूछा है अभी तक, चाहे आपके 500 क्वेश्चन बने, चाहे आपके 400 क्वेश्चन बने, जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे पिछले 10 सालों के, हर एक पेपर में से छाट छाट के मैं टाइपिंग कराऊंगी, तो मैं दिखा भी दूंगी कि कहां कहां से कौन कौन से पेपर में आया हुआ प्रश्न है, लिखा होगा उस पर। तो आप सभी इसमें जरूर आइए। बायोलॉजी के बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि हरियाणा SSC में कुछ पेपरों को अगर हम छोड़ दें, फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल इतना हाई नहीं जाता है, ठीक है, तो ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हम कर सकते हैं, ये वाली क्लास आपकी होगी। उसके बाद में स्टैटिक GK वाला जो पार्ट है, त्योहारों से, नेशनल पार्क से, ये वाले जो टॉपिक्स वाले क्वेश्चन होंगे ये एक क्लास में हम करेंगे। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 22 जुलाई को हरियाणा करंट अफेयर, 23 जुलाई को हरियाणा GK की रामबाण क्लास आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां रामबाण किसका हो जाएगा? हरियाणा GK। तो 7 रामबाण क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी। फिर अगले वीक में जो आपकी क्लासेस होंगी वो मैथ की, रीजनिंग की, ठीक है, और बाकी जो आपकी हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट की आपको मिलेंगी, ये भी आपके रामबाण क्लासेस में ही शामिल होंगी इसी वाली सीरीज में। तो ये एक ऐतिहासिक सीरीज आप सभी के सिलेक्शन के लिए हो सकती है। आप सभी जरूर जुड़िए, बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आपकी इच्छा है कि मैम ठीक है ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे ही, साथ में हमें यहाँ पर थ्योरी भी पढ़नी है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप सभी किसान बैच से प्रैक्टिस कर सकते हो सब्जेक्ट स्पेशल की, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, ये सारे के सारे, और कुरुक्षेत्र बैच में आप हरियाणा पुलिस स्पेशल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस वहाँ भी कराऊंगी, प्रैक्टिस इधर भी कराएंगे, दोनों में प्रैक्टिस क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। तो ये क्लासेस हैं आपकी जो कि हम शुरू करने वाले हैं 17 जुलाई से। तो आप सभी इन क्लासेस में जरूर आएंगे। देखो
जितना ज्यादा हो सकता अलग तरीके से आपको चीजें देने की ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश है, मेरी तरफ से प्रयास है। इसलिए मैंने सारी क्लासेस मेरी लगाई हैं, क्योंकि देखो दोनों चीजें चल रही है अपने यहाँ पे, ऐप भी चल रहा है बराबर, एप्लीकेशन पे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब वाले बच्चे थोड़े वंचित रह जाते हैं। एप्लीकेशन के बच्चों की भी डिमांड है कि मैम प्रीवियस ईयर भी करा दीजिए। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि 14-14 घंटे एप्लीकेशन पे ही क्लास चलती रहे, तो कुछ क्लासेज अभी हम यूट्यूब पर अपने जो है करा रही हूँ PYQ वाली, तो PYQ वाले आप यूट्यूब से कर लीजिएगा। उसके अलावा रात 8 बजे जो आपकी क्लास चलती है हरियाणा जी के, ये डेली क्लास चलेगी रात 8 बजे, इस क्लास में भी आप लोग जरूर आइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते जरूर कीजिएगा। और कुछ क्लासेज और चल रही है, जैसे आज आपकी हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है, कल भी है आपकी हरियाणा करंट अफेयर, आप लोग जरूर आइएगा ये वाली क्लास। साथ में आपकी मेंस एग्जाम के लिए EVS की क्लास ले रहे हैं प्रसांग सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द ऑन द यूट्यूब, अगर हम बात करें EVS के लिए बहुत ही बेहतरीन अध्यापक हैं आपके, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि जितना बोले उतना कम। तो ये क्लास भी आप ज्वाइन कीजिए, रेगुलर चलेगी, ठीक है, ये आपकी रहेगी क्लास, ठीक है, लगातार चलेगी, आप इस क्लास में आइए 2:00 PM। तो ये मेरा आपके लिए प्लान था, कमेंट करके बताइएगा अधिक से अधिक प्लान आपको कैसा लगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी लेकिन मेहनत पूरी वसूल हो जाएगी अगर आप क्लास में आएंगे। मुझे एक एक बच्चे का वादा चाहिए कमेंट बॉक्स में कि मैम मैं जरूर आऊँगा। क्या रह जाएगा आपका जब आप पिछले 10 साल के हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ रीजनिंग सारी चीज़ें अगर आप सोल्व कर लेंगे तो क्या ही रह जाएगा आपका, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तो आपका कवर हो ही जाएगा, है ना, इससे बाहर क्या जाएगा। आप पेपर लेके बैठोगे, बाद में मिक्स क्वेश्चन की मैराथन क्लासेस ले लेंगे सारी कंबाइन 12-12 घंटे वाली पेपर से एक हफ्ता पहले, तो सब कुछ बढ़िया सुपर डुपर प्लान है। अब आपके ऊपर है कि आपको आना है क्लास में। कुरुक्षेत्र बैच आपको मात्र 349 रुपये में मिल जाएगा हरियाणा पुलिस के लिए, है ना, 349 गुरु दक्षिणा समझ के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कि एक प्रकार से गुरु दक्षिणा 349 फुल कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। साथ में हरियाणा पुलिस के जो सब्जेक्ट स्पेशल है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ये सारे के सारे आपको जो है प्रैक्टिस क्लासेज इसकी इनको आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं एक साथ सब कुछ नहीं करा सकती, आपको भी कराऊंगी प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें, वो आने वाले वीक में कराऊंगी। जब आपकी मैथ रीजनिंग का रामबाण चलेगा तो मैं आपके सब्जेक्ट स्पेशल का रामबाण भी लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेशल के रामबाण के लिए कितने बच्चे तैयार हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, यही जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। मुझे एक ही चीज़ चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ग्राम सचिव बनिए, पटवारी बनिए, क्लर्क बनिए, जिस भी वैकेंसी पे आप कर सकते हैं अपनी पूरा दम लगा के लड़ाई शुरू कर दीजिए। और पुलिस वाले बच्चे एक एक बच्चा मैं कहूंगी, जितने हमारे पेड बैच थे चाहे कुरुक्षेत्र बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, दिव्य बैच हो, लगभग हर बच्चे का नाम आया है PMT के लिए। मुझे एक एक बच्चे का सिलेक्शन चाहिए। और जो यूट्यूब के हमारे परमानेंट बच्चे रेगुलर बच्चे हैं तुम्हारा भी सिलेक्शन चाहिए, तुम अलग नहीं हो किसी से, ठीक है, तो तुम्हारा भी सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन चाहिए, मधुबन जाने का टिकट चाहिए, ठीक है, वर्दी में तुम्हारी फोटो चाहिए, वर्दी में तुमसे मिलना है, तुम मिठाई लेके आओगे, रेवड़ी गज्जक चूरमा जो तुम्हारा मन करे खोया, लेकिन वर्दी में लेकर के आओगे, सिलेक्शन के साथ लेकर के आओगे, ठीक है, नहीं तो हम मिलने आ जाएंगे, जो ग्राम सचिव और पटवारी बिजी हो जाएंगे ना उनसे मिलने हम आ जाएंगे। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए एक अंतिम अवसर आपके पास में मैं ये कहूँगी, काफ़ी सपने आपके माता पिता के भी, आप इस मौके को गवाइएगा मत। मेरी जो क्लासेज हो जाएंगी वो लगभग 10 घंटे डेली क्लास हो जाएगी टोटल अगर मैं लगा दूं, लेकिन फिर भी मैंने क्लास अपनी शुरू कर दी कि कोई बात नहीं यूट्यूब पर भी 3-4 घंटे क्लास ले लेती हूँ अलग से, सिर्फ इसलिए कि 15 दिन है, 15 दिन में क्या ही हो जाएगा, अगर मैं 10 घंटे पढ़ा दूंगी आप भी तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ोगे ना, तो बस ये सोच के। इसीलिए आप सभी जरूर आएंगे, वो जो आपके माता पिता का सपना है पिछले 4-5 साल से अधूरा, अब समय आ गया उसे पूरा करने का, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ईना मीना टीना जो भी कर रहे कमेंट बॉक्स में आप ध्यान मत दीजिए, आपकी मंजिल मधुबन है, तुम्हारी मंजिल ग्राम सचिव पटवारी है, तुम्हें क्लर्क बनना है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं आज रात, अभी आपके 8 बजे क्लास होगी हरियाणा जी के, उसमें आइएगा जरूर, आप सभी के लिए बेहतरीन प्रश्न मैं लेकर के आऊँगी, तो सभी बच्चे जरूर आएंगे सेशन में लाइव। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।